नमस्कार दोस्तों, जय श्रीमन नारायण नारायण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आपको घंटी जो कि हमारे पूजा घर में रखी जाती है उसके बारे में कुछ नियम हैं उनको बताने जा रहा हूँ। यदि उन नियमों को आप फॉलो करेंगे, यदि उन नियमों को आप अपनाएंगे तो आपके घर में निश्चित रूप से पैसों की बारिश होगी और बिल्कुल पॉजिटिविटी यानी एक सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। यदि सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी तो पैसे भी आपके जीवन में बिल्कुल 100% आएंगे। तो आइए जानते हैं कि घंटी का क्या महत्व है। दोस्तों, पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इस सृष्टि की रचना जब सर्वप्रथम हुई थी तो सबसे पहले घंटी की ही आवाज़ सुनाई दी थी, यानी पूरी सृष्टि में एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी थी। घंटी की आवाज़ में ओम ध्वनि भी निकलती है और उसका सीधा संबंध भगवान की ध्वनियों से होता है। भगवान की जो ध्वनि है वो घंटी ही है, यानी घंटी की नाद या घंटा नाद जो है वो एक सकारात्मक ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। इसलिए यदि आपके घर में घंटी नहीं बजाई जाती है तो कृपया करके घंटी पूजा के स्थान पर जरूर रखें और उसका उपयोग करें। अब घंटी के कुछ उपयोग हैं या उसके कुछ नियम हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम, जब भी आपके पूजा स्थल पर जो आप घंटी रखें तो आप उसकी पूजन अवश्य करें, क्योंकि घंटी गरुड़ भगवान से संबंधित है। एक तरह से ये गरुड़ भगवान का प्रतीक है। उसमें घंटी में आपने ऊपर की तरफ गरुड़ एक मूर्ति सी देखी होगी, वो जो चिन्ह है वो गरुड़ भगवान का है। इसलिए घंटी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा होती है उसी तरह से घंटी की पूजा भी अवश्य करें। घंटी का जब भी उपयोग करें उसको प्रणाम करें। बिना प्रणाम करे घंटी को उठा करके डायरेक्ट नहीं बजानी चाहिए, इससे उसका अपमान होता है। तो ये दूसरा नियम था कि घंटी को प्रणाम करें। तीसरा है, जब भी आप पाठ पूजा कर रहे हैं, जैसे भगवान को नहला रहे हैं, उनको भोग अर्पित कर रहे हैं, तो बार बार घंटी का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि केवल आरती में ही घंटी का प्रयोग किया जाए। आप जो भगवान को उनको नहला रहे हैं, उनको स्नान करवा रहे हैं उसके साथ, या उनको भोग अर्पित कर रहे हैं, तब भी घंटी का उपयोग करें। घंटी का उपयोग करने से सकारात्मकता बढ़ती है। इसका तीसरा उपयोग है घंटी का, यदि आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मकता आप ज़्यादा फैल गई है, अशांति है, तो आप घंटी नाद कर सकते हैं भगवान का नाम लेकर के। जब भी आप घंटी नाद करें तो भगवान का नाम अवश्य लें, इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। सकारात्मकता यदि आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन में पैसों की बारिश भी होगी, पैसा भी भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। लेकिन भगवान के आलिया नहीं, भगवान के पूजा स्थल पर घंटी नाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घंटी नाद से ही आपकी पूजा पूरी की पूरी सफल होगी। पूजा सफल होने पर आपको अपना मनवांछित फल प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरी जानकारी समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों।